वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि मैंने ऑर्डर किया है। अभी ऑफर में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो मिल रहा है। ये फास्ट ट्रैक का रिवोल्ट FS1 है। ये इस तरीके के पैकेजिंग में आता है जो कि फास्ट ट्रैक के सारी घड़ियाँ आती है। तो ये मेटल का बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको वॉच और इसका जो चार्जिंग केबल है वो देखने को मिलेगा जो कि मैग्नेटिक वाला है। आप यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो और इसे अपने अडेप्टर पे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। तो इस वॉच में आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट 5 वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे वो आप यहाँ पे इजीली टैप एंड होल्ड करके एक्सेस कर सकते हो। ये 5 वॉच फेसेस आप चेंज कर सकते हो और एक्स्ट्रा आपको एडिशनल वॉच फेसेस के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना और पेयर कर लेना अपने वॉच को। उसके बाद आप यहाँ से काफ़ी सारे वॉच फेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। 200+ वॉच फेसेस है। उसके अलावा अगर आप बात करो तो इस वॉच में आपको जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, 500 निट्स की। इसका जो स्क्रीन का डिस्प्ले साइज़ है 1.8 इंचेस का है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके जो साइड बीजल्स है स्क्रीन के वो भी काफ़ी कम है, आप देख सकते हो। बहुत ही इन टू एंड यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है बॉडी रेशियो के हिसाब से। नीचे का भी जो चिन्ह है बेजल है वो भी काफ़ी कम है। इक्वली सारे तरफ आपको इक्वल बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। इसका जो बॉडी और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, अगर स्ट्रैप के बारे में बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, थिक है, तो देखने में भी प्रीमियम लगता है। इसका जो बॉडी है वो मेटल का नहीं है, प्लास्टिक मटेरियल ही है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है कलर वाइज और टच करने पे आपको यहाँ पे फील होगा। बाकी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो आपको फीचर्स में इसका आउटडोर जो मैं विजिबिलिटी पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये आउटडोर में कितना ज़्यादा विजिबल रहेगा आपको डायरेक्ट सनलाइट में भी। तो ये इजिली सनलाइट पे भी विजिबल रहता है। इसका ब्राइटनेस जो है निट्स है वो आपको 500 मिलता है, जिसकी वजह से ये इजिली आपको सन डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आउटडोर में आप यूज़ करते हो तो विजिबल रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स की। तो यहाँ से आप यहाँ सारे जो मेन्यू ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर ऊपर से आप इसको पुल करोगे तो इसका जो नोटिफिकेशन बार है पैनल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। अभी इसका ब्राइटनेस जो है वो फुल पे है। अगर आप इसको कम करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कम हो गया और ये 5 लेवल ब्राइटनेस पे आता है। आप इसको टैप करोगे तो ये एक एक लेवल बढ़ता जाएगा और ये इसका जो है फुल होता है, 5th लेवल पे इसका ब्राइटनेस फुल हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी म्यूट कर सकते हो, DND ऑन हो जाएगा। कॉल फंक्शन भी है इसमें। तो डायरेक्टली अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है आपके वॉच से तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे आप डायल करोगे उसका जो आप डायरेक्ट कॉल लगाओगे तो कॉल आपके डायरेक्ट फ़ोन पे वो डायल हो जाएगा। और जो स्पीकर का आउटपुट है वो आपके वॉच से आता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे आपको मिलता है, तो आउटपुट भी सफिशियंट है। आप वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं फुल आउटपुट जो इसका है काफी ज्यादा ऑडिबल है। आप आउटडोर में भी अगर किसी का कॉल रिसीव करते हो, अगर आपको बात करना है तो आप वॉच से भी कर सकते हो क्योंकि इसमें इनबिल्ट माइक मिल जाता है और इसमें डेडिकेटेड जो इसके खुद के स्पीकर है यहाँ पे आप देख सकते हो, उससे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो कॉल फंक्शन भी काफ़ी इजीली काम करता है और ये पेयर हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीमलेस कनेक्शन फील करवाता है। कोई भी लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। रियल टाइम जो यहाँ पे मैं करूँगा आपको फ़ोन में उसका रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हो यहीं से कर सकते हो, म्यूज़िक को नेक्स्ट भी कर सकते हो, पॉज एंड प्ले भी कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट कुछ गेम्स मिलते हैं उसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इस वॉच में आते हैं इस तरीके से। तो कुछ 3 गेम्स आपको मिलते हैं इसमें इनबिल्ट, जो कि टोटल 4 है यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें जो स्कैन का ऑप्शन आता है मॉनिटरिंग का, यहाँ पे आप अब इसमें कुछ सेंसर्स मिलते हैं जिससे आप हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है, ब्रीथ ऑप्शन कुछ कुछ मिलते हैं यहाँ पे सेंसर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको ये रिलैक्स फोकस मोड है, इसे ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इसमें कुछ कुछ मेजरिंग फैक्टर्स भी है, जैसे SpO2 लेवल भी आप इसमें मेजर कर सकते हो अगर इसे ऑन करते हो
आपको यहाँ पे ये जो सेंसर है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेजर करना अभी शुरू कर लिया है, बट अभी मैंने जैसे कि रिस्ट पे नहीं पहना है तो इसमें आपको एक वार्निंग देखने को मिलेगा कि आपको इसको अपने रिस्ट पे पहनना है, उसके बाद ही ये मेजर करेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। इतने ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है बट ये काफी अच्छा मेजर करता है। जनरल अगर बाकी वॉचेस से कंपेयर करो तो आपको वैसा ही आउटपुट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करो इसका बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉच है। अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच अभी लेने का सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। इसका जो बॉडी रेशियो है स्क्रीन के हिसाब से वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और इसका जो वाइब्रेशन है, आप कुछ भी यहाँ पे कॉल्स आते हैं या फिर आप कुछ भी फीडबैक, आपके वॉच से स्टॉप वॉच अगर यूज़ करते हो, अलार्म क्लॉक, तो जो भी आपको फीडबैक मिलेगा वाइब्रेशन से वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ और आपको वाइब्रेशन दिखाऊँ तो अभी सॉफ्ट पे है और काफ़ी ज़्यादा आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये वाइब्रेट हो रहा है। अगर स्ट्रांग करोगे तब तो फिर ये आपको इजीली बहुत ज़्यादा इसका जो फुल बॉडी है वो आपको फील होगा कि वो वाइब्रेट हो रहा है। तो सॉफ्ट में ही आपका काम हो जाएगा, तो वाइब्रेशन फीडबैक भी इसका अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कनेक्ट करने के बाद फुल्ली फंक्शनल एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच की तरह फंक्शन करता है, और बाकी इसके फेस वॉच फेसेस वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन के हैं, और विजिबिलिटी भी आउटडोर की अच्छी है, इनडोर की भी। तो इसे आप ले सकते हो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इसका अभी प्राइस जो ऑफर में है वो 1200 के अराउंड है, ये नॉर्मली 2000 के अराउंड मिलता है। ये फास्ट ट्रैक का है तो ओवरऑल आपको क्वालिटी फास्ट ट्रैक की अच्छी ही मिलती है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।